चौक में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया कर्फ्यू अभी तक जारी है। आपको बता दें कि जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में प्रशासन अब सख्त कदम उठा रहा है। यहां जगह जगह पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। वहीं गली मोहल्ले को बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरीके से सील कर दिया गया। उधर खुद जिला कलेक्टर के शर्मा, एसपी आदर्श सिद्धू, एएसपी विपिन शर्मा और डिप्टी सौरभ तिवारी शहर में घूमकर लोगों से कर्फ्यू की पालना की यहां पर अपील कर रहे हैं। ऐसे में जहां जहां प्रशासन और मेडिकल टीम्स पहुंच रही है, स्थानीय लोग उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत भी कर रहे हैं। धन्ना तलाई नौशे मियाँ का पुल वे रजबन क्षेत्र के बाद अब बमोर गेट भी नया एपिक सेंटर बन गया है। सोमवार को दो जनों के कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद एक बमोर गेट क्षेत्र का था। इसके बाद से ही प्रशासन ने यहाँ सेहत मेडिकल की टीमें लगा दी हैं जो घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। इस क्षेत्र के पॉजिटिव के संपर्क में आए 47 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं तथा इनके संपर्क में आए लोगों की एक सूची भी बनाई जा रही है। मंगलवार शाम तक 48 सैंपल में से 45 सैंपल नेगेटिव आए हैं तथा 3 सैंपल अभी पेंडिंग चल रहे हैं। इससे पूर्व सोमवार तक 306 लोगों के सैंपल लिए गए थे जिनमें से 286 नेगेटिव आए थे, वे 20 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि कर्फ्यू के हालात अभी पूरी तरीके से कर्फ्यू जारी है। टोंक में जिला कलेक्टर ने और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू खुद घूम घूम कर हालातों का जायज़ा ले रहे हैं। कल बमोर गेट पे भी जिला कलेक्टर और एसपी इन्हें दौरा किया, वहां जाकर जब लोगों को समझाइश की कट कर दो। टोंक और टोडा राइसिंग में कर्फ्यू जारी है। आज कर्फ्यू का 7वां दिन है। प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती दिखा रहा है। जिला कलेक्टर एसपी तंग गलियों में जाकर लोगों को कर्फ्यू की पालना की हिदायत दे रहे हैं और इसी तरीके से जिला कलेक्टर ने घर बैठे ही होम डिलीवरी की सुविधा दे रही है। ये जो आवश्यक वस्तुएँ हैं लोगों की वो घर घर पहुँचाई जा रही हैं। गली मोहल्लों में सब्जी की ट्रक आते हैं जो सप्लाई हो रही है पूरी तरीके से और इसी तरह जो 6 चिकित्सीय डॉक्टरों की टीम लोगों को परामर्श देकर घर पर ही इलाज करने की सुविधा दे रही है और जो दवाएं डॉक्टर अपने व्हाट्सएप पर पर्ची भेजते हैं वो औषधि वो पैरामेडिकल की एक टीम घर घर जाकर लोगों को पहुंचा रही है और पूरी तरीके से शहर में सन्नाटा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता फिरोज उस्मानी मेरे साथ टॉक से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, क्या जानकारी है आपके पास में? फिलहाल 20 यहां पर कोरोना के पॉजिटिव, जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर इलाके को तो सील कर दिया गया है, इसके अलावा क्या प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं? पूरी तरीके से टोंक प्रशासन मुस्तैद है और अब धन्ना तिलाई नौशे मियाँ का पुल और रजवन क्षेत्र के बाद अब बमोर गेट का जो क्षेत्र है वो नया एपिक सेंटर बन गया है। सोमवार को यहाँ 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, इनमें से एक बमोर गेट क्षेत्र का था। इसके बाद से ही प्रशासन ने यहाँ 37 मेडिकल की टीमें लगा दी हैं जो घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। इस क्षेत्र के पॉजिटिव के संपर्क में जो आए थे 47 लोग उनके भी सैंपल ले लिए गए हैं तथा उनके संपर्क में आए लोगों की एक सूची भी तैयार की जा रही है। मंगलवार शाम तक 48 सैंपल में से 45 सैंपल नेगेटिव आए और 3 सैंपल अभी पेंडिंग चल रहे हैं। इससे पूर्व सोमवार तक 306 लोगों के सैंपल लिए गए थे जिनमें से 286 नेगेटिव आए थे और 20 अभी पॉजिटिव चल रहे हैं। जी। फिरोज, जिस प्रकार से टोंक से तस्वीरें सामने आ रही है, एक तस्वीर यहाँ पर है कि प्रशासन मुस्तैद है, दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि टोंक में पुलिस प्रशासन और जो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर रोजाना अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, स्थानीय लोग उन पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्द को देखने से एक तस्वीर को काफी ज्यादा आराम यहाँ पर लोगों को मिलता है। जी बिल्कुल, अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग अब समझने लगे हैं, प्रशासन और आमजन के बीच अब बिल्कुल अच्छा व्यवहार चल रहा है और जो अपने मेडिकल स्टाफ की टीम है और पुलिस की टीम है उन पे पुष्प वर्षाएं की जा रही हैं। जहां भी जिस मोहल्ले में गली से गुजरते हैं तो ऊपर छतों पे लोग खड़े हो जाते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद फिरोज। आपको बता रहे हैं टोंक में यहाँ पर 20 कोरोना के पॉजिटिव हालांकि पाए गए, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर अब ये साफ कर दिया है किसी प्रकार की यहाँ पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कर्फ्यू यहाँ पर कई क्षेत्रों में लगा दिया गया है, पूरे इलाके को यहाँ पर सील भी कर दिया गया है।